तो हाय फ्रेंड, मैं अमरजीत कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मनी मेकिंग फ्रेंड। काफी लोग हमें कमेंट किए हैं वीडियो के नीचे या फिर ईमेल भी किए हैं काफी लोग, और वो हमसे बोले हैं कि यार कुछ वैसा वीडियो या फिर वैसा बिजनेस बताइए जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सके बिजनेस, या फिर ये बिजनेस किसी भी ग्रामीण एरिया में आसानी से स्टार्ट किया जा सके, इसका रॉ मटेरियल भी हमको काफी आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड, आज के ये वीडियो में हम एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में आप सभी से बात करने वाले हैं, डिटेल से बताने वाले हैं कि आप इस बिजनेस को जो है कि कम से कम कीमत में स्टार्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखते रहिए, तब सबके समझ में आएगा आपको कि ये बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, इसका मशीन आपको कहाँ मिल जाएगा, उसका इसका रॉ मटेरियल क्या है, फिर एक अनुमानित आपको जो है कि शुद्ध लाभ जो होने वाला है इस बिजनेस में वो हम एक कैलकुलेशन आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए आप सबसे करते हैं रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे तो अभी इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में बनने वाले घंटे जैसे निशान पे भी क्लिक कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करें बिजनेस या अर्निंग से रिलेटेड तो उसका सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 5000, तो इस वीडियो को अभी से अभी लाइक करना शुरू कर दें। दोस्तों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में दिखने वाले घंटे जैसे निशान पे भी क्लिक कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे तो उसका सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और आप देख सके। तो फ्रेंड, आज का बिजनेस टॉपिक है मेहंदी कॉर्न मेकिंग बिजनेस। तो फ्रेंड, इसमें लगभग 2 मशीन यूज होते हैं, तीसरा ऐसा प्रोडक्ट यूज होता है इसका रॉ मटेरियल जो कि मेहंदी खुद है, पाउडर के रूप में आपको मार्केट में मिल जाता है, और चौथा प्रोडक्ट है मेहंदी का कॉर्न जिसके अंदर मेहंदी को फिल किया जाता है यानी कि भरा जाता है। तो फ्रेंड, मेहंदी कॉर्न जो है मार्केट में आप कहीं न कहीं देखे ही होंगे, जहां सिंगार का स्टोर होता है वहां पे ये प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाता है, स्टेशनरी शॉप में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट रूरल एरिया या फिर हाईफाई सिटी दोनों जगह आसानी से बिक रहा है, और इसे हर तबके के लोग जो है खरीदते हैं, हर धर्म के लोग खरीदते हैं। कुछ कुछ धर्मों को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी सारे धर्मों में मेहंदी का अच्छा डिमांड है। कुछ खास फेस्टिवल है जहां पे मेहंदी को यूज किया जाता है, शादी सगाई में भी काफी लोग यूज करते हैं इसका, तो एप्रोक्स इसे मिला जुला के कहा जाए तो मेहंदी का अच्छा बिजनेस माना जाता है आज के डेट में, और आगे भी इसका ट्रेंड चल ही रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करेंगे। देखिए, मार्केटिंग करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है कि आपको इसके लिए कहीं प्रचार करवाना होगा, होर्डिंग लगाना होगा या फिर टीवी या पेपर पर एडवर्टाइज दिलवाना होगा। इसके लिए सिंपल तरीका है, जो मेहंदी का कॉर्न आप बनाएंगे उस मेहंदी कॉर्न में एक प्रिंटेड करवा ले, किसी नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करा ले फॉर्म का, और उसमें अपना कंपनी का नाम डाल दें। एक सुंदर सा पैकेट में 12 पीस का एक पैकेट बनाए जिसमें अपने मेहंदी कॉर्न को रखें, और जहां पर भी रिटेल या होलसेल के भाव में देना हो या सेल करना हो आप वहां दे सकते हैं। उसमें अपना एड्रेस मेंशन कर दे, फोन नंबर डाल दे, और इस तरह से आप चाहे तो अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं एक काम कि आप छोटे छोटे एरिया में आप मेहंदी फ्री में लगवाने का काम करवा सकते हैं। अगर वीकली या मंथली एक दफा भी ये काम आप कर देते हैं और वहां पे अपना होल्डिंग पोस्टर लगा देते हैं तो इससे भी आपका प्रमोशन आसानी से हो जाता है। या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग इस प्रोडक्ट की। देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऐसे काफी वेबसाइट है जहां पे अपना प्रोडक्ट लोग लिस्ट करते हैं, एक प्राइस फिक्स करते हैं, उस प्राइस पर ऑर्डर वहां से उनको मिलना शुरू हो जाता है, तो ये ग्लोबली रूप से आपको वहां ऑर्डर मिल जाएगा। वैसे अगर ऑफलाइन आप जो हम बताए पहले ऑफलाइन वर्किंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है अपने एरिया में ही इसे सेल कर पाते हैं, बट ऑनलाइन जब आप आ जाते हैं तो आप पूरे इंडिया में सेल कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इस उद्योग को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सा लाइसेंस या सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता होगी आप लोगों को। देखिए, इसके लिए मुख्य रूप से आपको लगभग जीएसटी और पैन कार्ड बनवाने की जरूरत होगी। अगर आप इसे ग्रामीण क्षेत्र में शुरू कर रहे हैं तो एनओसी का सर्टिफिकेट लेना होता है जो आपके ब्लॉक में ही मिल जाता है, जो ग्रामीण एरिया में ब्लॉक होते हैं वहां पर मिल जाता है। और अगर आप शहरी एरिया में इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो सॉफ्ट एक्ट का लाइसेंस आपको लेना होता है।
तो ये दो चार सर्टिफिकेट हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं कहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके राज्य में किस तरह के और डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं छोटा सा लघु उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। या फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि आप किस राज्य में हैं, तो हम हो सकता है वहां की कोई जानकारी आपको शेयर कर दें। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि इस मशीन से अगर आप उद्योग शुरू करते हैं तो आपको कितना लागत लगेगा रॉ मटेरियल में और उससे कितना आपको इनकम होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 से लेकर 2000 के आसपास है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 kg अगर रॉ मटेरियल हम लेते हैं तो इसमें हमको कितना खर्चा आएगा। तो आपको यहाँ पर देना होता है 110 रुपया 1 kg रॉ मटेरियल लेने के ऊपर, और उसके बाद आप जो कॉर्न लेते हैं तो उसका कीमत देखिए 1 रुपया से लेके 1.50 रुपये 2 रुपये तक जा सकता है। वैसे तो कुछ लोग चाहे तो इसे फ्री में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक लाना है, रॉ मटेरियल लाना है, या फिर अपने कंपनी का नाम या ब्रांड का एक प्रिंट करवाना है पेपर और उसे खुद घर में रोल करके बना सकते हैं। काफी आसान है, इसमें कोई खास आपको कॉस्ट लगने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बना बनाया लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1.50 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के आसपास लग जाएगा। तो अगर वो भी हम ले लेते हैं तो वहां पे आपको 50 रुपये के आसपास खर्च हो जाएंगे। अब जो है कि 1 kg जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं सूखा पाउडर से, तो वहां पर आपको 30 ग्राम एक कोन के अंदर आ जाता है। अब 30 ग्राम कोन के अंदर आएगा तो लगभग 35 पीस आपको कोन तैयार हो जाता है। तो 35 पीस अगर आप कोन तैयार कर लेते हैं लगभग आपको 160 रुपये का खर्च आ जाता है, और 10 रुपया इसमें आप और मान लीजिए अन्य खर्च से बिजली पानी जो भी हो इसमें अन्य खर्च हम सारे जोड़ लेते हैं तो 170 रुपये के आसपास आपको खर्च आ जाता है इस पूरे प्रोडक्ट को बनाने में, 35 पीस कॉर्न बनाने में। अब 35 पीस कॉर्न को जो है कि आप सेल करते हैं 10 रुपये पर कॉर्न, यानी कि 350 रुपये आपका टोटल यहां पर सेलिंग अमाउंट हो गया। अब 350 रुपये में 170 रुपये अगर हम निकाल देते हैं, यानी कि जो मेरा खर्च है वो हम निकाल देते हैं, तो 180 रुपये आपको शुद्ध मुनाफा मिल जाता है। बात कर लेते हैं कि एक कोन का लाभ क्या है, तो एक कोन में आपको 5 रुपये 14 पैसे का बेनिफिट हो जाता है। अगर 5 रुपये 14 पैसे का बेनिफिट होता है तो आप मान लीजिए 2000 पीस कोन बना रहे हैं तो पूरे 8 घंटे में आपको 10000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है, उससे भी अधिक। तो 10000 ही राउंड फिगर लेके चलते हैं, तो 10000 का बेनिफिट हो जाता है एक दिन में। तो अगर आप महीने की बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपया आप अर्निंग कर सकते हैं पूरे महीने, लेकिन ये एक अनुमानित इनकम है, ये इसमें कम या अधिक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस मशीन को कैसे खरीदेंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा। इस मशीन खरीदने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक या फोन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसके सेलर से बात कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि सेलर के पास जाए, वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा करें, मशीन को देखे, जाने समझे, अच्छे से परख ले, उसके बाद ही आप मशीन को खरीदें और इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो आइए अब चलते हैं उस मशीन की ओर और देखते हैं कि किस तरह से यह काम करती है। तो देखिए, इस स्विच से इसे ऑन और ऑफ भी किया जाता है। ये स्विच चारों तरफ जो है मूव करती है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसे मूव करवा के ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक नॉब है जहाँ पर कैप लगा हुआ है, इसे खींचने के बाद आपको एक नॉब दिखता है, ये नॉब, और इस नॉब से मेहंदी गिरता है और आप इसे इसमें भर देते हैं। भरने के बाद इसे सील करने के बाद आप मार्केट में डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मोटर के बारे में। तो फ्रेंड, ये मोटर 1 HP का है और सिंगल फेज से चलता है, और इसे पुल्ली कहते हैं, और ये पुल्ली के जितना साइज बड़ा होगा ये स्लो आपका प्रोडक्ट को भरेगा, और जितना छोटा होगा वो उतना फास्ट आपका काम होगा। तो आप चाहे तो अपने नियरेस्ट नज़दीकी मार्केट में जाएंगे और इस पुल्ली को आप खरीद सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है कि मेहंदी का लिक्विड बनाकर डाला जाता है, यानी कि पेस्ट टाइप का बनाकर डाला जाता है, और ये लगभग आपको 1 मिनट में 30 से 35 पीस जो है बना के दे देती है। ये डिपेंड करता है कि आपने पुल्ली का साइज क्या रखा है। तो फ्रेंड, इस मशीन को खरीदने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, फ़ोन नंबर वहां मिल जाएगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड, अभी हम इंडिया मैट के वेबसाइट पे, आप इंडिया मैट के वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे थे
कि आप मिक्सिंग मशीन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ मिक्सिंग मशीन लेने के लिए दिया गया है, आप डायरेक्ट यहाँ कॉल नाउ पर कॉल करके और इसके सेलर से आप बात कर सकते हैं। तो ये मिक्सर ग्राइंडर जो है, मिक्सर मशीन जो है, वो आपको मिल जाएगा लगभग 10,000 के आसपास। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं फिलिंग मशीन, जो हमने वीडियो ऑलरेडी दिखा रखा है, उस मशीन को लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ कीमत है 10,000। तो हर जगह अलग अलग कीमत है। यहाँ पे देखिए आपको 10,000 है, ये है मिक्सिंग मशीन, यहाँ भी 10,000 है, तो लगभग 10,000 के आसपास में ही ये सारा मिलता है। अब चलते हैं आपको लेके रॉ मटेरियल के तरफ, जो है मेहंदी, उसको आपको ख़रीदना है तो पर केजी यहाँ लगभग 100 रुपये आ रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 100 रुपया में आपको 1 केजी मिल जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हाफ केजी है, जिसे पैकेट में पैक किया गया है, और पैकेट में पैक करने के बाद आपको 150 रुपया में ये दे रहा है हाफ केजी का। तो देखिए सिंपल तरीका, सिर्फ पैकेट में पैक होने की वजह से ये 100 रुपये का 1 केजी जहाँ आता है, वहाँ 150 रुपये के आ रहा है हाफ केजी। यहाँ देखिए 80 रुपये केजी है। तो इंडिया मार्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ क्लिक करके और यहाँ सेलर से बात कर सकते हैं कॉल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके। तो आई थिंक फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल आने वाले हैं और मशीन को कहाँ से परचेज करना है, इसकी कीमत क्या है। अगर आप बिजनेस रिलेटेड और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके और आप अधिक वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कहीं पर अच्छा और यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों को भी शेयर कर दें ताकि उनको पता चल सके इस बिजनेस के बारे में। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, कोई नए अर्निंग के टिप्स और ट्रिक्स लेके। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।